नॉमिनेशन टास्क को लेकर रुबीना और अभिनव के बीच हुई लड़ाई, चलिए हम भी जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि नॉमिनेशन टास्क को लेकर जहां सभी पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है, ऐसे में रुबीना और अभिनव के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें रुबीना अभिनव को शट अप कह देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ होगा जब रुबीना दिलैक ने अपने ही पति अभिनव शुक्ला को शट अप कह दिया, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। ऐसे में अभिनव शुक्ला बेहद ही शॉक रह गए। इसके बाद की जो हाल थी, एक्चुअली क्या हुआ था, आपको बता दें कि वेल नॉमिनेशन टास्क के लिए सभी अपने अपनी होर पे लगे हुए हैं एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि वो एक दूसरे को बचाए। ऐसे में राहुल वैद्य और एजाज खान रुबीना और अभिनव को कन्विंस करने में लगे हैं कि वो दोनों, अगर राहुल वैद्य और एजाज खान को बचाएंगे तो वो दोनों भी इसके बदले में रुबीना और अभिनव को सेव कर लेंगे। लेकिन वहीं अभिनव का कहना है कि वो राहुल वैद्य को बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं बचाएंगे, क्योंकि राहुल वैद्य ने कहीं ना कहीं रुबीना दिलैक की बेइज्जती की है। इसी बात को लेकर वेल दोनों के बीच बहस छिड़ जाएगी और वहीं रुबीना बोलती भी नजर आएंगी कि राहुल वैद्य को बचा लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही फायदा है। लेकिन इन दोनों के बीच में हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि आपसी सहमति नहीं बन पाती है। वेल इस बात पर ही दोनों में छिड़ जाती है जंग। इस बात पर आपकी क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।